हमीरपुर में लोकल रूटों पर बस ऑपरेटर नियमित रूप से बसें नहीं चला रहे हैं। यात्रियों ने तंग आकर इसकी शिकायत आरटीओ हमीरपुर को की है। आरटीओ हमीरपुर ने सभी बस ऑपरेटरों को नियमित रूप से बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उखली समताना धंगोट्टा बल बिहार व बिजली रूट पर बस ऑपरेटर नियमित रूप से बसें नहीं चला रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को आने जाने में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत रविवार सरकारी छुट्टी या फिर विवाह शादियों के दौरान पेश आ रही है। यात्रियों को 5 से 7 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। बस मालिक मनमर्जी से बसों को रूटों पर चला रहे हैं। अगर उन्हें नियमित रूप से बस चलाने को कहा जाए तो बस ऑपरेटर घाटे का बहाना बना रहे हैं। आरटीओ हमीरपुर ने उत्तर रूट की सभी बसों को नियमित रूप से बसें चलाने के आदेश दिए हैं। अगर फिर भी कोई बस ऑपरेटर बस नहीं चलाता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर विक्रम महाजन ने उखली से बिजली वाया धंगोट्टा रूट के सभी बस ऑपरेटरों को नियमित रूप से बसें चलाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की बार बार इस संदर्भ में शिकायतें आ रही हैं। बस ऑपरेटरों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरटीओ हमीरपुर विक्रम महाजन ने बताया कि कार्यालय में शिकायतें आ रही हैं और कुछ निजी ऑपरेटरों के मालिकों द्वारा बसों को उखली समताना धंगोट्टा बल बिहार बिजली रूट पर नहीं चलाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सभी बस मालिकों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे अपनी बसों को नियमित तौर पर सप्ताह के प्रत्येक दिन चलाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। फिर भी ना मानने पर उनके बस परमिट भी रद्द किए जाएंगे। आज की जो मीटिंग थी वो उखली समताना भैल धंगोट्टा बल बिहार बिजली की तरफ जो हमारी बसेस चलती हैं उनके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी कि संडे और गजेटेड हॉलीडेज जो हैं उनके ऊपर वो एब्सटेन कर रही हैं, नहीं चल रही हैं। तो इस मैटर को काफ़ी सीरियसली लिया गया है। जब ये कंप्लेंट हमारे पास प्रधान धंगोट्टा जो है उनके बिहाफ से हमारे पास ये कंप्लेंट डिफरेंट चैनल के तहत है और इसके लिए हमने आज एक बैठक जो है वो आज बुलाई थी और जो ऑपरेटर्स हैं उनको हमने टेलीफोनिकली भी बताया था और सभी ने हामी भरी थी आज की इस बैठक में आने के लिए। तो जो भी ऑपरेटर्स आए हैं उन्होंने लिख के इस बारे में कहा है कि वहाँ पे एक तो सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, पर चूंकि सड़क की कंडीशन 6 दिन वैसी ही होती है इसलिए 7वें दिन अगर कंडीशन चेंज होती है ऐसा लगता नहीं, तो उनको आदेश करे गए हैं कि वो हफ्ते के 7ों दिन इनवेरिएबली जो गाड़ी है वो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे और उसमें कोई भी दिन जो है उसमें अपना रूट जो है उसको फेल नहीं करेंगे। और जो बाकी के 3 ऑपरेटर जिनको हमने फ़ोन करके भी और प्रेस के माध्यम से भी हमने प्रेस रिलीज देके बुलाया था वो नहीं आए हैं, उनके उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि क्यों ना उनके परमिट जो हैं वो रद्द कर दी जाए। अगर वो गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, मीटिंग में नहीं आना चाहते, तो बेटर यही है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए इसके ऊपर तुरंत और कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए।